अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक बहुत ही खूबसूरत राउंड नेक वाली शर्ट आपको सीना सिखाएंगे। इसकी कटिंग मैंने अपने चैनल पे पहले ही अपलोड कर दी है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो अगर आप इसकी स्टिचिंग देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, और अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में करें। तो चलते हैं इसकी स्टिचिंग की तरफ। वीडियो में मैंने इसकी जो है कटिंग आपको बताई थी, और इस वीडियो में मैं इसकी स्टिचिंग बताऊंगी और इस खूबसूरत लेस को इसके दामन और बाजुओं पे लगाना सिखाऊंगी। तो चलिए इसका गला काटते हैं। गला जो है वो बनाने के लिए मैंने यहाँ पे चेपी यानी कैनवस पेपर लिया है, तो इसको मैं पहले स्ट्रेट करूँगी जो एक्स्ट्रा चेपी है वो हमारी ख़त्म हो जाए। अब मैं यहाँ पर इस गले की जो चौड़ाई है वो 3 इंच लूँगी, तो ये खुल के 6 इंच का गला कट जाएगा। तो मैंने 3 इंच पर निशान लगाया है और करीबन 1.25 इंच जो है वो हमारा एक्स्ट्रा एक निशान है। तो इस गले की जो लंबाई है वो मैं तैयार जो है वो 6.5 इंच रखूँगी। तो उसके लिए मुझे 6.5 से थोड़ा सा ज़्यादा, आप 7 इंच भी रख सकते हैं या आप 7.25 इंच भी रख सकते हैं। तो मैं 7.25 इंच पर एक निशान लगाऊँगी नीचे की तरफ, और जितना हमने मार्जिन यहाँ पर लिया था उतना ही मार्जिन हम 1 से 1.25 इंच का यहाँ पर रखेंगे। अब मैं इस निशान को स्ट्रेट कर दूंगी और ऊपर से जो 3 इंच वाला निशान था उसको भी मैं स्ट्रेट मिला लूंगी, और इस निशान को भी मैं आगे की तरफ बढ़ा दूंगी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कर लिया है इस तरह से। और अब गोल गले की गुलाई अच्छे से बनाने का जो तरीका है, जो टेक्निक है, वो ये है कि जितनी आपने लंबाई ली है उसके हाफ पर निशान लगा लें। तो मैं करीब 3.25 इंच पे एक मार्क करूंगी, और यहाँ से इस पॉइंट से गुलाई मिलाते लेकर आऊंगी और 3.25 के निशान तक लाकर छोड़ दूंगी। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से मैंने इसकी गुलाई कर ली है। अगर आपको शेप में थोड़ी बहुत ख़राबी नज़र आ रही है तो आप उसको मेंटेन कर सकती हैं अपने लिहाज से। तो ये देख सकती हैं आप मैंने कितनी अच्छे तरीके से जो है इसकी गुलाई कर ली है। तो अब मैं जो ये निशान था उसको भी करीब 1.25 इंच के मार्जिन से यूं लेकर आऊँगी और यहाँ तक मिला दूँगी। तो देखिए कितनी आसानी से मैंने गोल गला जो है वो काट लिया है। तो अब इसको मैं कट करूँगी। तो सबसे पहले मैं ये एक्स्ट्रा चेपी को कट कर दिया मैंने, और अब मैं इसको यहाँ से कट करूँगी। एक्स्ट्रा चेपी साइड पे कर दें और यहाँ से इसकी भी आप गुलाई डालें। ये देखें आप कितनी नफासत से हम इसकी गुलाई डाल रहे हैं। तो इस चेपी को आप साइड पे कर दें। तो लीजिए हमारा गला गोल कट कर तैयार है। इसको अब हम एक एक्स्ट्रा फैब्रिक पे पेस्ट करेंगे और अपनी कमीज़ के साथ जोड़ेंगे। जैसा कि देख सकते हैं कि मैंने इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है, और मैंने इसकी जो है वो इस तरह सेंटर बनाकर तो यहाँ पे आयरन कर लिया ताकि मुझे इसके सेंटर का पता चले। और मैंने यहाँ पे गले के थोड़ा साइड पे थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ा है, और मैं इसको यहाँ से मोड़ के इसके ऊपर सिलाई लगा के आपको दिखाती हूँ। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे ये सिलाई लगा ली है, और अब हम इसको, और आप देख सकते हैं कि मैंने इस गले की जो आयरन के साथ लाइन लगाई थी उसके ऊपर मैंने चौक के साथ लाइन लगा ली है ताकि हमें इसके सेंटर का पता रहे और हमारा गला बिल्कुल सेंटर में बने। और इसी तरह मैंने जो है चाक का निशान अपनी कमीज़ पर लगा लिया है, और अब हम कमीज़ के सीधी तरफ को गले के सीधी तरफ के साथ जोड़कर और इस चौक के निशान पर सिलाई लगाएंगे। तो मैं इस सिलाई लगाती हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने इतना गला सेट कर लिया, और इसको मैं सिलाई लगा रही हूँ। तो आप देखें कि यहाँ पे जो ये क्रीज थी मेरे गले के क्रीज के साथ मैच कर गई है। इसका मतलब ये है कि हमारा गला बिल्कुल सीधा लग चुका है। तो अब हम इसके राउंड की जो है वो यहाँ से सिलाई लगाएंगे। देखते हैं कि मैंने गला जो है वो पेस्ट कर लिया था और उस कमीज के साथ भी जोड़ लिया है, और अंदर से मैंने थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए बाकी कपड़ा जो है वो एक्स्ट्रा काट दिया है। ये आप देख सकते हैं मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो काट दिया है, और मैंने यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगाए हैं
इन कट को लगाने का ये फ़ायदा ये होता है कि जो हमारा गला गुलाई में है वो अच्छे से पीछे की तरफ फिनिशिंग के साथ मुड़ जाएगा। ये आप देख सकती हैं। अब मैं इसको मोड़ कर आयरन करके आपको दिखाऊंगी। पहला आयरन करने के बाद मैं इसके ऊपर किनारी की सिलाई लगा रही हूँ ताकि यहाँ से जो एम्ब्रॉयडरी की वजह से गला जो है उभरा हुआ है वो जम जाएगा, बैठ जाएगा और बुरा नहीं लगेगा। तो अब मैंने गला बना लिया है, तो अब ये बैग के ऊपर मैं फ्रंट का पार्ट रख रही हूँ और इसकी मैं तीरे की सिलाई लगाऊंगी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे और यहाँ पे आप तरपाई भी कर सकती हैं और यहाँ पे आप सिलाई भी लगा सकती हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। अब यहाँ से दूसरे तीरे का किनारा मिलाएंगे और इस तरह से रख के सिलाई लगाएंगे। अब हम कमीज का पिछला गला बनाएंगे और हम मैंने इस तरह से आप देख सकते हैं बिछा लिया है और मैंने 1.25 इंच चौड़ी एक उरेब पट्टी ली है, उरेब पट्टी ली है। अब मैं इसकी यहाँ से थोड़ा सा सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए एक निशान लगाऊंगी। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा सिलाई का मार्जिन छोड़ा है और तकरीबन 3 इंच गहरा गला मैं ये बनाऊंगी, पिछला 3 इंच गहरा गला बनाऊंगी और मैं इसको गोल कर दूंगी और यहाँ से आप इसको काट दें। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसको काट लिया है और अब मैं इसको कवर करूँगी। पट्टी को हम इसके ऊपर रखेंगे और ख्याल रहे कि हमारी सिलाई जो है वो यहाँ लगे, इस गले के ऊपर ना लगे। तो मैं सिलाई लगा के दिखाती हूँ, ये आप देख सकते हैं इस रेब पट्टी के साथ इस पूरे गले को कवर कर देंगे। हल्का हल्का हाथ रख के आपने इसको मोड़ दे जाना है, खींचना बिल्कुल नहीं। अब मैंने इसको इसके साथ अटैच कर लिया है और अब मैं इसको इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर किनारी की सिलाई लगाऊंगी ताकि इसको मोड़ते वक्त हमें दुश्वारी पेश ना आए। अब हमने इस पे आप देख सकते हैं किनारी की सिलाई लगा ली है। अब इसको आपने इसके ऊपर मोड़कर और जितनी आपने कंधे की सिलाई लगाई थी उसके ऊपर दोबारा से सिलाई लगा देनी है। से जब आप मोड़ेंगे तो ये बहुत ही फिनिशिंग और मजबूती के साथ यहाँ पे अटैच हो चुकी है और यही काम हम दूसरी साइड पर भी करेंगे। अब हम फिटिंग की सिलाइयाँ लगाएंगे, तो निशान के ऊपर ऊपर आपने सिलाई लगानी है और जहाँ से सिलाई शुरू करनी है वहाँ से सिलाई आपने पक्की जरूर करनी है। दूसरी सिलाई भी लगा लेंगे। ये सिलाई मैंने हिप से चेस्ट की तरफ लगाई है। फिटिंग की सिलाइयां मैंने लगा ली हैं और अब ये दामन है, जैसा कि आप देख रहे थे कि इसकी लेंथ पूरी नहीं थी तो उसको हमने पूरा करने के लिए इस खूबसूरत लैस को लगाएंगे और इस नीली पट्टी के ऊपर इस लैस को उल्टा रख के, आप देख सकती हैं कि उल्टी लैस है, सीधी लैस ये इस तरह है, तो उल्टी लैस रख के मैं इसके नीली पट्टी के ऊपर रख के और यहाँ से सिलाई लगाऊंगी। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने सारी जो है सिलाई लगा ली है और जब हम इसको पलटाएंगे तो देखें ये कितनी खूबसूरत लैस जो है वो बगैर सिलाई के यहाँ पे नज़र आ रही है। यहाँ पे सिलाई आपको कोई नज़र नहीं आ रही और ये जो यहाँ पे वाइट एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको यहाँ से मोड़ते हुए या तो आप इस पर सिलाई लगा लें या आप इस पर तरपाई कर लें। अगर आप तरपाई करेंगे तो ज़्यादा नफीस लगेगा, तो आप यहाँ से ये पकड़ के कपड़ा यहाँ पे तरपाई कर लें। देखते हैं कि ये बाजू मैंने यहाँ बिछा लिया है और इसके आगे मैंने जो है वो कपड़ा लगा कर और लैस लगा कर मैंने यहाँ पर रख दिया है। अब देखते हैं इसकी लंबाई कितनी है। तो इसकी लंबाई जो है वो
23 इंच जो है वो बन रही है, तो ये काफ़ी है। अब हम इसको फोल्ड करेंगे। अब तैयार मोहरी जो है वो मैंने 5 इंच रखनी है, तो मैं देख लूँगी कि यहाँ से 5 इंच कहाँ बन रहा है। तो यहाँ 5 इंच पे मैं हल्का सा निशान लगाऊंगी। और जो हमारा बटन होल होता है बटन वाली बाजू का, वो मैं तकरीबन 4 इंच गहरा रखूंगी नीचे की तरफ, और यहाँ पे मैं एक मार्क करूंगी। अब यहाँ से इसकी इतनी जो चौड़ाई है वो मैं 5 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा रखूंगी। तो मैं यहाँ इतना इसका डिस्टेंस 5 इंच रखा है, तो इसका जो है वो मैं 5.5 इंच तक रखूँगी। तो यहाँ मैं एक मार्क करूँगी। अब आप देख सकते हैं कि मुझे एक पॉइंट मिल गया है सिलाई लगाने के लिए। इस पॉइंट से जो कंधे तक का पॉइंट है उसको मैं स्टिच करके आपको भी दिखाती हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि सिलाई लग चुकी है, और अब मैं इसको अपनी शर्ट के साथ जोड़ूंगी। तो अब मैं गोल कंधा जो है वो लगाने लगी हूँ। ये मेरी जो बाजू का है आर्म होल, और ये आर्म होल मेरी शर्ट का है। तो अब मैं दोनों के जॉइंट्स को यूं मिलाते हुए सर्कल में सिलाई लगाऊंगी। तो आपने आराम से इसको साथ मिलाते हुए सिलाई लगाऊंगी। लीजिए, हम अपने बाजू को कंप्लीट करने की तरफ आ गए हैं। तो ये मेरे शर्ट का जो फिटिंग का पॉइंट है, इसको आपने यूं पकड़ना है और एक ट्रायंगल बनाकर यूं नीचे रख देनी है, और जो बाजू वाला है हिस्सा उसकी भी आपने ट्रायंगल बनानी है, और इस तरह से ऊपर रख के सिलाई कंप्लीट करनी है। इसको कंप्लीट करने का जो रीज़न ये है कि ये जो है आप जब इस कमीज़ को पहनेंगे तो यहाँ पे खींच आपको नहीं लगेगी। तो बाजू को शर्ट के साथ साथ अटैच करने के बाद मैंने जो 5 इंच का यहाँ पे मार्क लगाया था वहाँ से पकड़ के इसको फोल्ड करूँगी ऊपर और नीचे दोनों से, और इसको आयरन करने के बाद इसको अंदर फोल्ड करके यहाँ पे तरपाई करूँगी और यहाँ पे टिच बटन लगाऊंगी। तो आपने देखा कि मैंने इसको फोल्ड करने के बाद टिच बटन लगा दिया है, तो मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। इस तरह से मैंने इसको फोल्ड किया और उसके ऊपर टिच बटन लगा दिया है। आप देख सकती हैं कि ये मेरी मोहरी जो है 5 इंच तैयार है। तो ये बहुत ही आसान बटन वाले स्लीव्स जो हैं वो रेडी हैं।